हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि के जो जातक हैं उनके बारे में बताऊंगी, उनका करियर, उनकी हेल्थ, उनकी मैरिज लाइफ, उनका कैसा जाने वाला है, 16 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है और उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कार्ड्स में मैं जानना चाहूँगी, और घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं ऐसा मैं जानना चाहूँगी। जितने भी हमारे लिब्रा राशि के जो लोग हैं, तुला राशि के जो जातक हैं, उनका कैसा जाने वाला है ये हाफ ऑफ द मंथ मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसा जाने वाला है तुला राशि के लिए। तो 16 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय, करियर, हेल्थ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंशियल कंडीशन एट होम, मतलब कैसा उनका ये दिन बीतेगा, ये 15 दिन कैसे उनके बीतेंगे तुला राशि वालों के लिए। तो मैं अपने एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे सबसे पहले आपका अपना करियर मैं जानना चाहूँगी, तुला राशि वालों का करियर। ओके, ऐसे तो आपके पास जो है सबसे पहला कार्ड ये आया है वॉन्ड्स का, दैट मीन्स स्ट्रेंथ बहुत रहेगी आपके पास काम करने के लिए, आपके पास भरपूर आपके पास इस वक्त ताकत भी है, स्ट्रेंथ भी है, प्लानिंग भी कर चुके हैं। कोई तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ आप प्लानिंग कर चुके हैं, तीन व्यक्ति यानी कि आपके कलीग्स हो सकते हैं, घर पे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस या जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए ये अपनों का कोई तीन जने हैं जो आपका बहुत अच्छे से इस वक्त साथ दे रहे हैं। स्ट्रेंथ बहुत है आपके पास और क्योंकि वो अगर नाराज़ हो गए आपके अपने तो हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आपके आसपास जो कलीग्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं वो हो सकता है इन 15 दिनों में आपको लगे कि वो सब जो है आपके बिहेवियर की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है। तो प्लीज़ उनको जो है वो थोड़ा सा आप कन्विंस करके चलिए, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। और जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए। कोई अपना जना है जो कि बहुत टेंशन क्रिएट करेगा आपको, अपनों से यहाँ पे तकलीफ़ होने का इंडिकेशन आया है, चूरा भूखने वाला, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम कोई जना कर सकता है तो आपकी प्रोग्रेस रोकने की वो कोशिश करेगा और बिल्कुल करेगा। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने काम को बहुत ही प्लान वे में, जैसे कहते हैं ना गुप्त वे में काम करना, किसी को बताना नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ बिज़नेस के लिए या अपने जॉब के लिए या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ मत बताइए, आप बस अपना काम करिए तो आपको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, बिल्कुल सक्सेस होगी। क्योंकि देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, कोई आपका कोई जो आपसे बड़ा व्यक्ति है, कोई मेल हो सकता है जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है, तो कोई या आपका गुरु हो सकता है, किसी किसी गुरु नहीं है तो माता या पिता होते हैं। तो यहाँ पिता का यहाँ पे एक कार्ड आया है कि कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है घर में, कोई बाबा हो सकते हैं, कोई भी उनसे आपको किसी तरह का सपोर्ट या एडवाइस आपको लेनी चाहिए, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। तो मैं अगर कहूँ तो करियर में आप बहुत ध्यान दे के चलिए, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन आप ले के चलिए क्योंकि मेरे कार्ड्स यही इंडिकेशन दे रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ कि हेल्थ कैसे रहने वाली है तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि का हेल्थ कैसा जाएगा, हेल्थ में आपका घर में कोई जना कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ही हेल्प करने वाली है, या आपकी पत्नी हो सकती है, माता हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी आपका घर में कोई पैसे वाली कोई लेडी है जो बहुत ही मतलब संपन्न, अच्छी, जिसके संस्कार जिसे हम कहते हैं, तो वो कोई लेडी से आपको बहुत अच्छा खुशी मिलेगी। आपकी हेल्थ आपकी बहुत मेजर केस नहीं दिखा रहा है, उसके संग रहिए, उसके संपर्क में रहिए ऐसा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम गंदे लोगों के पास अगर रहते हैं तो हमारी हेल्थ भी जाती रहती है, नज़र लगती है उस तरह, तो इस तरह से अवॉइड करिएगा कि कोई जना, क्योंकि ये कार्ड जो ये आया है शुरुआत में यही दिखा रहा है, तो ऐसे लोगों को प्लीज़ अवॉइड करना चाहिए। और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो आपके चल रही हैं कन्फ्यूजन, वो अब जा करके इन 15 दिनों में सॉल्व होते हुए दिख रही हैं किसी भी चीज़ में, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो चाहे घर पे। और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ को लेके जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है क्योंकि कार्ड ये उल्टा आया है,
मेहनत आपको कार्य क्षेत्र में अपनी करनी पड़ेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ के कार्ड्स बहुत 50-50 आए हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को आप हो सकता है थकावट महसूस करें, कमज़ोरी महसूस करें, तो जितनी भी जो हेल्दी चीज़ें हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो प्लीज़ खाइए। देसी घी या मट्ठा पी सकते हैं आप, क्योंकि आप तुला राशि के हैं तो बेहतर होगा कि आप जो हैं वो एक कॉपर का एक कोई बर्तन ले लें, उसमें पानी सवेरे उठ के पिएं तो सारे टॉक्सिक जाते रहते हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कई चीज़ों में। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत अच्छा होता है कि आप सवेरे उठ करके पानी पीजिए तांबे वाले, उसमें तो टेंशन फ्री रहेंगे और टॉक्सिक शरीर का निकलेगा। हेल्थ में 50-50 दिखा रहा है, ध्यान रखिए अपना। और मैरिज लाइफ में जानना चाहूँ तो मैं कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे बताएं कि मैरिज लाइफ कैसी जाने वाली है आपकी। मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि आप किसी भी नए व्यक्ति से इस वक्त संपर्क में ना आएं, किसी नए व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल भी ना आएं। जो घर में आपके पास जो मम्मी पापा, जो आपकी वाइफ, बच्चे जो हैं, उनके साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें। किसी नए व्यक्ति के एंट्री अगर कपल्स हैं तो प्लीज़ प्रपोज़ल अवॉइड करिए, अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करिए। और इसमें कार्ड ये भी बताता है कि पैसे से कहीं ना कहीं आपको जो है वो पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि टेंशन आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टेंशन ना हो। और कोई जना है जो आपको बार बार ये एहसास दिलाता रहेगा कि मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन तुम जो है मानते नहीं हो मुझे, ऐसा ही के कार्ड्स कह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भी आप अवॉइड मत करिएगा, बहुत ही हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे मैरिज लाइफ में। तो कोई बाहर का जना, कोई व्यक्ति, कोई मेल है कोई जना, तो ऐसा अगर आपके दिख रहा है कहीं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, किस तरह से कोई बहाना बना के इस तरीके से उसको अवॉइड करिए अपने मैरिज लाइफ से। और बहुत ज़्यादा अपनों पे जो रिश्तेदार लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, या ऑफिस में कभी कभी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हो जाते हैं अच्छे दोस्त की तरह, मेल हो जाए फीमेल, तो उनको बहुत ज़्यादा विश्वास में लेके मत चलिए, बिल्कुल भी नहीं इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा आपको मिल सकता है। जो आपके घर में जो आपके लोग हैं उन्हीं के साथ अपना बैलेंस फॉर्म में उनके साथ विश्वास करिए, क्योंकि कार्ड आपका यहीं दिखा रहा है कोई लेडी है जिसे बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, और बिल्कुल विश्वास करिए उस लेडी पे। आपकी माँ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, बड़ी बहन या बहन, छोटी बहन, कोई भी, तो अपने बुज़ुर्गों का जो है वो अपना आदर करिए, उनके साथ रहिए, संगत में रहिए। यही कार्ड आपको मैसेज कर रहे हैं। आई थिंक कि आपने मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, मैसेजेस को देखा होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।